Gandhiji, मानवों के बीच कोई भेदभाव कभी नहीं करते थे और हमेशा ये कहते थे कि जो अपने आप को बड़े समझते हैं उन्होंने जो छोटे हैं दलित हैं उनके साथ उनके कुटुंब के एक सदस्य बनकर जाना चाहिए और घर की सफाई में और घर के अच्छे बनने में पूरा योगदान देना चाहिए जैसे कि वो उसी कुटुंब के सदस्य हों तभी भाईचारे की भावना सही माने में पनप सकती है बढ़ सकती है। ये प्रसंग पूना का है। उन दिनों महात्मा जी यरवदा जेल से छूटने के बाद पूना में ही आकर विश्राम करने लगे थे तभी छात्रों की एक टोली आकर बापू से मिली और उन्होंने बापू से पूछा हम सब गरीबों और दलितों की सेवा करना चाहते हैं परंतु हमारे पिताजी ऐसा नहीं करने देते। बापू ने कहा कि जब तुम कोई बात कराना चाहते हो तो रोते हो ना यही करते हो ना। जी हाँ। इस पर बापू ने कहा रो चिल्लाओ। हमारे पिताजी सरकारी नौकर हैं वो आंदोलन में भाग लेने से डरते हैं। इस पर बापू ने कहा दलितों की सेवा करना राजनीतिक काम नहीं है सरकारी कर्मचारी भी इसमें भाग ले सकते हैं। स्कूल में हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। बापू ने कहा कि जहाँ दलित रहते हैं उनके घर जाओ मिलो जुलो उनके घर की सफाई करो और अपने व्यवहार से उन्हें ये महसूस कराओ कि तुम उन्हें छोटा नहीं समझते। तूने मेरी चप्पलें कहाँ रखी है। चप्पलें चप्पलें तो बापू मैं आपकी मोची की मरम्मत के लिए देकर आई हूँ। उसके कुछ मजदूरी ठहराई या ऐसे ही चली आई। आठ आने ठहराई है बापू। आठ आने ना मैं कमाता हूँ ना तुम कमाती है आठ आने कहाँ से देंगे। सो तो है बापू। जब मैं मोची के पास गई और उसे पता लगा कि यह चप्पलें बापू जी की हैं तब वह बोला मैं इसने नहीं लौटाऊंगा इतने महान व्यक्ति की चप्पलें मैं कितना भाग्यवान हूँ मैं इन्हें नहीं लौटाऊंगा। तब मैंने उसे समझाया और कहा कि चलिए मैं आपको बापू से मिलवाती हूँ। मैं बापू के पास गई तब बापू बोले कि भाई ये कला तो मुझे भी सिखा दो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह महान बन सकूं। अनइक्वालिटी का जो ट्रीटमेंट है ये देश में चलने वाला नहीं। अपने आप को हमेशा उस लेवल पे लाने की कोशिश करो और उनसे उस तरह घुल मिलो दौलत की बजाय नहीं प्यार से। देश जब आज़ाद हुआ तब उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है जब तक देश में सामाजिक और आर्थिक आबादी न हो एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन न हो और महिलाएं आगे ना आए। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना है और जो भी आज जैसे आपने कहा कि कुछ महिलाएं आगे हैं वो बिल्कुल गांधी जी के विचार और उनके जो असूल थे उसके परिणाम स्वरूप आज कुछ महिलाएं आगे हैं। जो मुल्क का जो समाज है उसमें आपको कुछ गांधी जी नज़र आएंगे। सैकड़ों हज़ारों वर्कर्स हैं कि जो गांधी जी के ख्याल से उनकी हिम्मत अफजाई होती है और गांधी जी के ख्याल को लेकर वो वहाँ गांव में काम कर रहे हैं और जगह भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल गांधी जी गायब हो गए हैं समाज में अभी वो मौजूद हैं। तालीम का मैदान हो या सफाई का मैदान हो या लोगों को काम मिले उस वो मैदान हो उसमें सभी मैदान में गांधी जी के ख्याल की काफ़ी कीमत है। गांधी जी यहाँ 1946 अप्रैल फर्स्ट को आए थे और जैसे बॉम्बे से आए थे महात्मा गांधी जी तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतर कर सीधे यहाँ वाल्मीकि मंदिर पर आए थे जो उनकी बुकलेट में भी लिखा हुआ है। गांधी जी के यहाँ पर निवास के दौरान या प्रवास के समय में ब्रिटिश राजनीति में जो शिखर पर थे वो लोग यहीं गांधी जी को मिलने के लिए आते थे। भारत के उस समय में आंदोलनकारी आज़ादी के मुहिम में जो लोग अपनी शिरकत कर रहे थे वो लोग गांधी जी को यहीं मिलने आते थे जिनमें मौलाना अब्दुल कलाम सरहदी गांधी सरदार पटेल आचार्य कृपलानी राजगोपालाचार्य नेहरू जी ठक्कर बापा ये विशिष्ट लोग महात्मा गांधी जी को इसी कमरे में आकर भेंट किया करते थे। ये गांधी जी उसमें गांधी स्मृति गांधी दर्शन समिति की एक बुकलेट है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि एकाएक ये स्थान जो है एक ही रात में इतना विशिष्ट होगा कि वो अपना ये वायसराय हाउस जो है उसके बराबर उसकी तुलना में ये इतना प्रमुखता पर
पहुंच गया था। राम वो उनका उद्घोष था, वो यहाँ जैसे आए तो पत्रकार ने उनसे प्रश्न कर लिया कि महात्मा जी आप इस मंदिर में ही क्यों आए, तो महात्मा जी ने कहा कि मैं उन श्री महर्षि वाल्मीकि जी की शरणागत जा रहा हूँ जहाँ जिनकी शरण में जाके राम ने उनके द्वारा निहित मर्यादाओं का पालन करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मैं भी उन्हीं महर्षि वाल्मीकि जी की शरणागत जाके देश की आज़ादी के सपने को देखना चाहता हूँ और ये महसूस करना चाहता हूँ कि वाल्मीकि कम्युनिटी उस जाति के लोगों की पीड़ा को मैं निकट से देखना चाहता हूँ। पत्रकार को उन्होंने अंत में ये कहा कि आप भी मुझे उसी तरीके से व्यवहार करें कि जैसे वाल्मीकि को आम लोग व्यवहार करते हैं। इन इंग्लैंड इट्स इज वन ऑफ रिस्पेक्ट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, नॉट जस्ट एज एन इंडियन, नॉट जस्ट एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन, बट व्हाट ही स्टूड फॉर ऑफ हिज एटीट्यूड ऑफ बैलेंस एंड ब्रदरहुड बिटवीन पीपल। आई वाज फॉर्चुनेट टू कम हियर यस्टरडे व्हाइल माय वाइफ वाज इल एंड आई मेट अ हिंदू and a Muslim and a Christian, and I thought that was auspicious that in this place I should meet three young people that Gandhi fought for and lived for and died for, and for me that was a very moving experience to be here as an Englishman. It is strange because Gandhi was the remover of my race from this nation, but I feel a deep love and a caring, and I'm not alone in that. Many, many people in England feel that. Mountbatten ne kaha jab पार्टीशन हुआ कि ही इज़ वन मैन वॉल बिटवीन कैओस एंड ऑर्डर, तो उनकी एक पब्लिक में ऐसी इमेज थी कि आदमी बिल्कुल निष्काम है और वो जो कहता है वो मुल्क के फ़ायदे में कहता है, इसलिए वो उपवास करते थे तो उससे एक मॉरल प्रेशर और एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था। तब हिंदू मुस्लिम एकता किस बात में निहित है और उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर सीधा साधा है, वह इस बात में निहित है कि हमारा एक समान उद्देश्य हो, एक समान लक्ष्य हो और समान दुख सुख हो, और इस समय लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में सहयोग करना, एक दूसरे का दुख बांटना और परस्पर सहिष्णुता बरतना इस एकता की भावना बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। द पीपल शुड लर्न टू लिव इन हार्मनी whatever be the religion to which they belong, whatever be the language that they speak and the color of their skin. In fact, the whole of Gandhiji's life, 22 years of his life in South Africa and almost 33 years of his work back in India is a poem. मुंबई के लबर्नियम रोड पर स्थित ये भवन लगभग 17 साल तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निवास स्थान रहा। अब ये स्थान पूरी दुनिया में प्रेम और भाईचारे के तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ गांधी संग्रहालय, गांधी विचारधारा केंद्र एवं ग्रामीण विकास शोध संस्थान है जो मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। मणि भवन की इसी छत के नीचे गांधी जी ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया था और अपने अनुयायियों को सेवा और त्याग की भावना से सब कुछ देश पर निछावर करने की प्रेरणा दी थी। चरखा गांधी जी के जीवन में सादगी, सहयोग, प्रेम और समानता का प्रतीक है। 1917 में मणि भवन में रहते हुए उन्होंने यही महसूस किया और चरखा उनके जीवन का अंग बन गया। सन 1919 में मणिभवन में निवास के दौरान गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन जैसे साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किए। जनसेवा और सामाजिक समन्वय में इन दोनों अखबारों का अमूल्य योगदान रहा। 1920 में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के दौरान जब सरकार और जनता के बीच संघर्ष पैदा हुआ तो हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांतों के प्रचार में मणिभवन का उल्लेखनीय योगदान रहा। 22 जून सन 1920 को भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड जेम्स वोर्ड के नाम मणिभवन से गांधी जी ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, शांति शर्त और उसकी सुरक्षा के लिए आपके द्वारा दिए गए वचन के भंग होने से भारतीय मुसलमानों की संवेदना को धक्का लगा है।
बापू ने आगे लिखा, मैं एक कट्टर हिंदू होते हुए भी अपने देशवासी मुसलमानों का अच्छा दोस्त बना रहना चाहता हूं। अगर इस संकट में उनका साथ नहीं दूंगा तो भारत माता का अयोग्य पुत्र कहलाऊंगा। मुंबई में गांधी जी ने 31 जुलाई 1921 को विदेशी कपड़ों की होली जलाने का समारोह मनाया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी मणिभवन पहुंचे। देश में उन दिनों विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। यंग इंडिया में गांधी जी बराबर लेख लिख रहे थे। सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा चलाया गया। 1930 में दांडी मार्च के संबंध में मणिभवन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बापू ने नमक के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि नमक पर टैक्स सामाजिक असमानता और असहिष्णुता है। 4 जनवरी 1932 को मणिभवन की छत से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जेल जाते हुए संदेश दिया, ईश्वर की दया अपार है, स्वराज के लिए अपना जीवन और सब कुछ निछावर कर दो। मणिभवन वो ऐतिहासिक धरोहर जहां से गांधी जी ने सेवा, त्याग, प्रेम और भाईचारे की भावना का प्रेरणादायी संदेश देशवासियों को दिया। उनको जनता की पल्स की उनको एक अच्छी समझ थी। उन्होंने देखिए किस तरह से सिंबल्स को इस्तेमाल किया, जैसे चरखे का इस्तेमाल उन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे उन्होंने अपनी पोशाक बदल दी, लंगोटी पहननी शुरू करी उन्होंने, जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया और नमक कानून को तोड़ा, तो उनको उन्होंने ऐसी अनेक चीज़ों को छोटे छोटे सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल किया जो जन सामान्य से तुरंत उनको जोड़ देते थे। हमने ये भी देखा कि गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। वो कहते थे कि गांव में ही लोगों को, खासकर युवकों को काम मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें शहरों की तरफ भागने की नौबत ना आए, शहरों में आके गंदी झुग्गी झोपड़ियों में रहने की उन पर नौबत ना आए। इसलिए वो कहते थे कि ये जो शहर और गांव का जो अंतर है उसे यदि दूर करना हो तो गांव में ही काम मिलना चाहिए, उत्पादक काम, जिससे कि नौजवान अपनी आमदनी गांव में ही पूरी कर सके। ये गांधी जी का विचार आज भी कितना समर्पक है ये हम खुद दिन ब दिन देख रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि लाखों नवयुवक गांव को छोड़कर शहरों में गंदी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए आने पर बेबस हैं, लाचार हैं, तो इस चित्र को बदलना होगा, तभी गांधी जी का वो सपना सही माने में संतुलित विकास का साकार हो पाएगा। गांधी जी का जोर गांव में था कि किस तरह से गांव की के लोगों की हालत को बेहतर बनाया जाए, उनको काम दिया जाए, तालीम का इंतज़ाम हो, एग्रीकल्चर को का ठीक तरह से उसको उसका विकसित किया जाए, अनेक सवाल जो थे और जिनको उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर मुल्क के सामने रखा था। गांधी जी तो युग पुरुष थे, उनका जो सिद्धांत थे, असूल थे, उसको सामान्य आदमी आराम से आसान से नहीं फॉलो कर सकता। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि आम आदमी कौन मूल्यांकन पर काम कर सकता, वो मूल्यांकन लाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90% आदमी आज भी सीधे साधे हैं। 5-10% जो अपर क्लास हो गए तो वो पैसों की भाड़मर में पड़े हुए हैं, तो मायूस होने का कोई कारण नहीं है। यंगर जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता विकास कर रही है। Whether we should fight in the name of religion or whether we should fight on small issues or should we not stand together, united
looking for our common future. The Gandhian message of harmony is the clarion call for a united struggle for ending social injustice, economic disparities, gender inequalities, and also small struggles, small and petty fights in the name of provincial considerations, political reasons, sociological aspects. The message today is, the relevance today is, should we not forget all these differences and stand together and strive for a united India, a happier India, which will be a solid guarantee for world peace. हमने गांधी जी के जीवन से ये देखा कि दो बुनियादी सिद्धांत गांधी जी के जीवन में सर्वतोपरि थे. एक तो ये कि सारे मानवता में वो एक सामंजस्य, सद्भाव, भाईचारा, ऊंच नीच भेद किए बगैर सारे भेदभावों को बुलाकर धर्मों में भी सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर एक मानव समाज, आदर्श मानव समाज भारत में बने, ये गांधी जी चाहते थे. और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है जब तक इस देश को आर्थिक स्वराज नहीं मिलता, जब तक सही माने में ग्राम स्वराज नहीं आता और गांव-गांव में रहने वाले हर कुटुंब में हर युवक को काम नहीं मिलता, तब तक सही माने में इस देश में आज़ादी आई ऐसा हम नहीं कह पाएंगे. और इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि देश में स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान, इसकी बहुत आवश्यकता है, तभी राष्ट्र सही माने में सामर्थ्यवान बन पाएगा. और इसलिए एक चीज की आवश्यकता है, भाईचारा. वो गीता का एक श्लोक हमेशा कहते थे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारो सुख दुख समक्षमी.